लोहरदगा विधानसभा सीट पर एनडीए प्रत्याशी आजसू की नीरू शांति भगत की जीत सुनिश्चित करने के लिए स्टार प्रचारक के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लोहरदगा चुनाव प्रचार में आएंगे। एनडीए घटक दल के अन्य नेता भी आएंगे। प्रत्याशियों के नाम वापसी के बाद स्टार प्रचारकों की सूची आज से सुप्रीमो सुदेश महतो के नेतृत्व में विचार विमर्श कर जारी की जाएगी। यह बातें लोहरदगा विधानसभा सीट पर आजसू के चुनाव प्रभारी जितेंद्र सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कही है। जितेंद्र सिंह ने कहा कि नीरू शांति भगत इस बार 75,000 से ज्यादा वोटों से जीत हासिल करेंगी। पिछले चुनाव के बाद से इन्होंने पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर काफी मेहनत की है। आजसू का कहना है कि इस बार सभी वर्ग के लोगों का वोट हमें मिलेगा। आजसू संयोजक मंडली पूरे समर्पण के साथ अब इस काम में जुट गई है। आज के विशेष कॉन्फ्रेंस जो है कहीं ना कहीं मेरे प्रत्याशी जो एक भावी प्रत्याशी के रूप में नहीं अभी जीत के प्रति अग्रसर है। जिस तरीके से जनता का रुझान हमारे जो संगठनात्मक जो संरचना है और खास करके बीजेपी के लोग एनडीए गठबंधन के लोग मिलकर के जिस तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं उम्मीद है कि आने वाला जो परिणाम होगा वो बेहतर होगा, एनडीए गठबंधन के पक्ष में होगा और कहीं ना कहीं नीरू शांति भगत विधानसभा के पटल पर पहुँचेगी और लोहरदगा का जो मेन जो आवाज़ है जो स्वर्गीय कंवर किशोर भगत जी का जो सपना था जो हम लोगों का भी सपना है खास करके आजसू सुप्रीमो सुदेश कुमार महतो जी का सपना है उनको ये पूरा करेंगी और इस पूरा करने में हमारे तमाम संगठन के लोग एनडीए के लोग लगे हुए हैं। आजसू का अपना एक मैनिफेस्टो है कि जो एनडीए का मैनिफेस्टो है एक आजसू पार्टी का अपना है क्योंकि हम एक क्षेत्रीय पार्टी है और क्षेत्रीय पार्टी होने के नाते हमारा एक अपना अलग दायित्व है ना, उस दायित्व पे काम करने के लिए हमारे सुदेश कुमार महतो जी संकल्प है उसी के लिए हम लोग कल से पदयात्रा पर निकलेंगे। नया महतो जी इसका शुभारंभ करेंगे हमारे प्रत्याशी के साथ साथ हरे घर क्योंकि सुदेश कुमार महतो हमेशा आप लोग जानते हैं कि झारखंड के आंदोलन में जो उनकी भूमिका है आजसू पार्टी की जो उसकी भूमिका है वो सब सर्वमान्य सब लोग जानते हैं कि आजसू जो है वो एक आंदोलन का उपज है। सुदेश कुमार महतो उस घर में दिया जलाने चले जाने सदियों से अंधेरा है इसलिए मैं बोलता हूँ कि सुदेश कुमार महतो जी महज एक नाम नहीं एक आंदोलन है और वो आंदोलन आने वाले विधानसभा में 14-12 दिनों में आपको देखने को मिलेगा और निश्चित तौर पे मेरा संगठन आजसू का जो संगठन है वो घर घर तक है तभी हम चूड़ा प्रमुख तक का दावा करते हैं। एक एक घर में चूड़ा प्रमुख के हमारे जितने भी मेंबर्स हैं वो पहुंच चुके हैं चाहे वो महिला संगठन हो वो हमारा पुरुष का संगठन हो अल्पसंख्यक हो अनुसूचित जनजाति मोर्चा हो किसान मोर्चा हो जितना भी संगठनात्मक छात्र मोर्चा हो सारे लोग घर घर तक पहुँचने का काम कर रहे हैं और इसमें निश्चित तौर पर एनडीए गठबंधन के स्वरूप में हम अभी 81 विधानसभा में लड़ाई लड़ रहे हैं और 81 विधानसभा में आजसू का अपना जो संगठन है वो एनडीए को झारखंड के पटल पर पहुंचाने के लिए विधानसभा में हमारे प्रत्याशी और 81 विधानसभा प्रत्याशी जीत करके आए उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। खास करके लोहरदगा के परिप्रेक्ष्य में हम जो बात करें कि जो पिछला जो चुनाव था अभी का चुनाव अभिन्न इसलिए है कि हम एनडीए गठबंधन के साथ हैं लोक जनशक्ति पार्टी जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी के साथ मिलकर के हम चुनाव लड़ रहे हैं तो आने वाले जो चुनाव है उसमें निश्चित तौर पर गठबंधन का फायदा मिलेगा और हम लगभग ये उम्मीद कर रहे हैं जो सर्वे हम लोगों ने करवाया है पार्टी जो सर्वे करवाया है और जो हमारे संयोजक मंडली 21 लोगों का जो टीम है और खास करके जो मैंने पहले भी बोला कि हम चूल्हा प्रमुख तक पहुंच चुके हैं वहां से जो रिपोर्ट आ रही है लगभग 50 से 75 हज़ार मार्जिन के साथ आज तो एनडीए गठबंधन यहाँ चुनाव जीतने वाले। न्यूज विंग के लिए लोहरदगा से प्रीतम कुमार की रिपोर्ट। डोंट वरी सर, घर आपको टाइम पर मिलेगा और ऐसा मिलेगा कि आपकी उंगलियां भी बरतेंगी। ये देखिए सर, A1 क्वालिटी का सीमेंट लगा रहा हूँ मैं। मजबूती का सारा ठेका हम ही लिए हैं का? अरे बॉडी विदाउट स्ट्रॉन्ग बोन किस काम का? देखिए मजबूत घर चाहिए तो अच्छे सीमेंट के साथ अच्छा सरिया भी लगाइए तभी तो ऐसा घर बनेगा जो